What's happening guys, welcome to the vlog. And कैसे लग रहे हैं अभी तक के आपको vlogs? अच्छे लग रहे हैं? अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा ज़रा यू नो फ्रीक्वेंट होने की, बिकॉज अभी तक बड़े लंबे चौड़े वाले डाल रहा था. एंड उसमें मेरे को क्या लग रहा है कि लंबे लंबे ब्लॉग्स में मैं डाल रहा हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एडिटिंग में, तो उसमें और टाइम लग जाता है यू नो अपलोड करने में. तो उससे अच्छा मैं 10-10 मिनट के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूंगा, उससे कम से कम एवरी डे यू गाइस विल आल्सो बी एंगेज्ड विद इट. तो लेट्स डू दैट. एंड आज हम फिर ट्रैवल करने जा रहे हैं, बिकॉज पहले हम जा रहे हैं गोवा. गोवा में मेरा रोहिणी का काम है. माय मॉम इज़ आल्सो कमिंग विद अस, तो उनको लगा कि मैं भी चलती हूँ उनके साथ गोवा. थोड़ा सा यू नो वेदर का चेंज रहेगा, बिकॉज दिल्ली इज 47 प्लस डिग्रीज, कभी कभी तो 50 डिग्री जाता है. आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट या हाफ वे टू बॉइलिंग पॉइंट. कुछ सालों में आई थिंक 60 तक पहुंच जाएगा. एनीवेज, बट द पॉइंट इज गाइस दैट वी आर गोइंग टू गोवा, एंड वहां पे वी जस्ट देयर फॉर वन डे, एंड उसके बाद वी गोइंग टू बॉम्बे, क्योंकि वहां पे रोहिणी का इवेंट है. तो अभी तक के लिए लेट्स गो टू द एयरपोर्ट. आउटफिट चेक कर लो सबके सब. मॉम्स आउटफिट चेक. Mom is looking like a Uniqlo person, you know, like yeah, Uniqlo model. Yeah, you always take me in the worst moments. That's the idea. Why are you doing like everyone? ठीक तो लग रहे हो, अच्छे तो लग रहे हो. And this Uniqlo. Oh, oh, you. Rohini is plus one. Your bag is the size of half my body. So light you are now, you know. Yeah. जी. Rohini's luggage, हाँ. सब कुछ ये सारा Rohini का bag है. हम दोनों बस मतलब ऐसे ट्रैवल लाइट करते हैं. क्या कहेंगे आप अपने बारे में? बिल्कुल सही बात. क्या करें? क्यों नहीं? आप भी? मेरे को अपोलो फार्मेसी से थोड़ा सा लेंस सॉल्यूशन उठाना था. एंड ये बेसिकली यहाँ पे अब ये पूरा टर्मिनल वन पे है. हम यहाँ से टर्मिनल वन से जा रहे हैं और ये काफ़ी नया और अच्छा बन गया है. लुक्स वेरी नाइस. इनफैक्ट मतलब गेट्स जो हैं वो नीचे तक जाते हुए हैं यहाँ पे. और पता है मेरे को ऐसा लगता है जैसे बॉम्बे में है ना, जब आप एस्केलेटर से पूरा नीचे को जाते हो, थोड़ा बहुत मेरे को बॉम्बे की सी वाइब दिखी यहाँ पे, लाइक दैट. एंड हाउ आर वी फीलिंग लाइक एस्केपिंग द हीट? मेरे को सच्ची में मन नहीं करता बिल्कुल भी कि दिल्ली में और रहूँ, बिकॉज इट्स सॉरी रोहिणी इज टेकिंग आवर लगेज. आज गाइज हम लोगों ने पहली बार अपनी लाइफ में टिम हॉर्टन्स ट्राई करा है, जबकि मतलब कनाडा में बहुत पीते थे. एंड कनाडा में इट्स वेरी वेरी पॉपुलर, स्पेशली मेरे नाना का यू शुड लाइक इज डबल. सो मतलब था कि एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा क्रीम स्टफ. सो या बट वी आर ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट टुडे. रोहिणी इज अवॉइडेड इट बिकॉज हर चीज़ में चीनी है यहाँ पे. रोहिणी, व्हाई डू यू अवॉइड शुगर सो मच? बट जिंदगी की मिठास कैसे आएगी आपने? मिठास मुझे आपसे मिल रही है, डोंट वरी. कॉफी तो मेरे हिसाब से बहुत ही एवरेज सी थी, बट लेट्स सी व्हाट द चिकन सीख इज लाइक. हाउ इज योर्स मॉम? मॉम को मैं बार बार खाते जा लेता हूँ. हमारा फाइनल कॉल है. एंड वियर्डली इनफ टर्मिनल वन पे नीचे आकर के यू कैन सी देयर इज अ स्टारबक्स. तो रोहिणी अभी वहाँ पे भागी है टू गेट हर आइस कैपुचिनो. बट इज अ कॉफी वर्थ मिसिंग अ फ्लाइट? लेट्स आस्क हर. गाइस नॉनदलेस आई मीन टर्मिनल वन इज फाइनली मतलब बहुत ही अच्छा दिखने लग गया है. नीचे आकर के बहुत सारी जगह है रेस्ट करने के लिए एंड सो ऑन. एंड यहाँ पे वी गॉट हर लास्ट फ्यू पैसेंजर्स लेफ्ट. फाइनल कॉल. इसे कहते हैं मॉम कॉफी एडिक्ट्स. ओके, कॉफी होनी चाहिए हाथ में हमेशा, चाहे फ्लाइट मिस हो रही हो या नहीं. मी एंड मॉम इज लाइक तो ये लास्ट बस जा रही है. मॉम इज सेइंग मैं तो जाऊं. A few moments later. Give your hack, Rohini, for Starbucks. If you want a nice, strong, cold coffee, go for an iced cappuccino. A nice latte. This is my discovery, not Amir's. Well, seated. Mom is struggling with a machar on the flight. Oh, जाने नहीं वाला मक्खी या मच्छर. Finally. Success? Yeah. Luck.
You are a murderer, mom. Murderer. We are actually pleasantly surprised with the weather, and we've got a guy over here जो कि हमको अभी अपने होटल के ऊपर लेकर खिंच जाएगा. हम लोग ठहर रहे ताज, नहीं नॉट ताज, सॉरी हेरिटेज विलेज एंड रिजॉर्ट्स. कर लेते हैं. ये मेरा रूम है 505 नंबर हेरिटेज विलेज रिजॉर्ट्स में, एंड दैट इज मी. रोहिणी और मॉम जो है वो गई हुई हैं वे अभी खाना ऑर्गेनाइज करने के लिए, बट दिस इज व्हाट आवर रूम लुक्स लाइक. इट्स क्वाइट नाइस. ये हमारा लगेज भी आ गया बिकॉज ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग बॉम्बे भी जा रहे हैं. सो वी आर जस्ट हियर फॉर वन डे. एंड एक बार तो यहाँ पर हमारी एक प्राइवेट बालकनी है विद लाइक लाउंज चेयर, सो आराम से वो भी कर सकते हैं. हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं है वो सब कुछ करने के लिए, बट नॉनदलेस यू गॉट योर कॉफी अमेनिटीज एंड स्टाफ, गॉट योर कबर्ड्स. लेट्स जस्ट चेक आउट द वेरी नाइस नीट एंड क्लीन वॉशरूम. सो फार गाइस, आई मीन हेरिटेज विलेज लुक्स प्रीटी कूल. वी आर नेवर स्टेड हियर, तो पहली बार स्टे कर रहे हैं यहाँ पे. ओह एक मिनट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू a bed check. Oh nice, not too soft, not too hard. This is actually the just the right mattress strength mattress comfort. Whoa. Someone's staring. Wasabi with dim sum. सुशी का क्या होगा फिर? So guys, we are actually at Martin's Corner. बहुत ही फेमस जगह है. मॉम इज द वन हु रेकमेंडेड दिस. यहाँ पे हमने you came here? 40 years ago she came here. 38. Okay, 38. Now you guys know exactly how old I am. Yeah. What is this one? It's prawn palchao. This is prawn palchao. We got some rice over here. And we got the Goan pav, man. Wow. What is that? It's head sabzi. Chicken chakuti. Very nice. Good morning guys. So ये दूसरा दिन है and कल ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए हैं. Today is our last day in Goa and आज थोड़ा सा बस काम ही काम है हमारे को, एंड उसी के लिए हम लोग आए हुए थे. तो वी थॉट कि जितना कुछ कर सकते हैं एक दिन में गोवा में उतना हम लोग कर लेते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. मगर यहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं करती बालों को नॉर्मल रहने के लिए, तो बाल साथ नहीं दे रहे हैं आज. सो टोपी ऑन द वे. नो टोपी ऑन द वे, टोपी टू द रेस्क्यू. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. और अभी हम जाएंगे काम के लिए, तो थोड़े बहुत आप गोवा के नज़ारे एंजॉय. यहाँ पे पूरा गणेश जी जो है पेड़ में से निकला.
what a refreshing change to see rain. And अभी हमारा काम सब कुछ फिनिश हो गया है. हम लोग अब जा रहे हैं टू डिफरेंट डायरेक्शन. मॉम इज गोइंग टू डबलिन एयरपोर्ट और हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ गोवा. और मॉम गोइंग बैक टू दिल्ली और हम लोग अब जा रहे हैं बॉम्बे. तो गाइस हमारे साथ है रवि भैया. और रवि भैया जो है सबसे बेस्ट है गोवा में टैक्सी के लिए. तो इनका नंबर मैं नीचे यहाँ पे डाल दूंगा, तो आप इनको 100% कॉन्टैक्ट करके इनको आप बुक कर लेगा. ये बहुत ही हेल्पफुल है हर चीज़, और इनको बहुत नॉलेज है, तो आपको साइट सीन कराते हुए लेके जाएंगे. This is pretty crazy. Goa's new international terminal looks insane, man. Like, look at this. Guys, the airport is looking absolutely insane, man. I've never seen Goa's new terminal looking this good. Now this maneuver is killing it. If you see here, everything from Armani Exchange, Superdry, couple of other perfume shops, a watch store, and it looks very nicely done. I mean, like, even if you look at the ceiling, it looks incredible. So, I mean, मतलब पूरा जो ambience है ना of a international airport गोवा में बन गया है. This is something which I feel is incredible. मतलब Goa is a pretty international destination. एंड यहाँ पे जो जिस तरीके से बना रखा है, मतलब आई मीन आई वुड से इट्स ऑन पार विद द अबू धाबी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है. इट्स वेरी नाइस. आई मीन लुक एट हियर, इवन लाइक द स्टारबक्स एंड स्टफ, वेरी नाइस ही डन. आगे जाके KFC एंड आई मीन मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे ये जो पूरा रूफ इन्होंने कर रखा है, इट्स सच अ नाइस टच, यू नो. यहाँ पे कोई गैजेट स्टूडियो, वहाँ पे आगे जा कर के एक इनकम का लाउंज भी है. तो अगर आपको इनकम के बारे में नहीं पता, इनकम इज़ अ प्रीटी कूल सर्विस. मतलब पूरा आपको अंदर VIP पूरी ट्रीटमेंट दे देता है एंड दे विल टेक यू देयर लाइक दैट. नाउ आई एम जस्ट गोना गो एंड लुक एट सम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेस्ट माय टाइम. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस वी आर डन विद द ट्रैवल बिट, क्योंकि हम लोग बॉम्बे पहुंच चुके हैं. एंड आगे का बॉम्बे का जर्नी आपको और बाद में देखने को मिलेगा. अभी यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करूँगा. Stay safe, stay sexy, God bless, bye.